तो हेलो गाइस, आज हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने को। आज देखते हैं बफेट में क्या क्या नीचे है। डेली तो सरप्राइज ही मिलता है और आज भी सरप्राइज ही मिलेगा। यार जितना बफेट में रहता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या खाएं। सीरियसली वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रहती हैं ना कि आप मन करेगा, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कहीं फाइव स्टार होटल में जाते हो और वहाँ पे बफे वाला पैकेज लेते हो तो इतना इतना सा हर चीज़ लिया करो, तब जाके आपका तब भी नहीं खा पाओगे पूरा। मेरे ऐसे आदमी का पेट भर जा रहा होता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। ज़्यादा तो नहीं खाते हो तुम? हाँ, कौन बोले ज़्यादा खाते हो? चार रोटी ज़्यादा होता है? चार पाँच रोटी सब्जी ज़्यादा खाते हो? हाँ तो खाते हैं सब्जी, वो तो अच्छी बात है खाते हो। तो नीचे चलो मिलते हैं फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हमारा द ललित्स में सेकेंड डे है और हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में आज का बुफे में क्या क्या मेनू लगा हुआ है और अमेजिंग ही होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए बुफे। तो यहाँ से हमारा बुफे शुरू है। यहाँ पे फ्रूट सैलड्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चटनी और कुछ पिकल्ड सैलड्स वगैरह थे, स्प्राउट्स थे। गाइस ऐसे ऐसे स्प्राउट्स थे कि मैंने तो पहले देखे नहीं थे। यहाँ पे आप योगर्ट देख सकते हो, चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह देख सकते हो, कितने वैरायटीज़ की हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के ब्रेड्स हैं, ये इसमें ब्रेड्स टोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये लैम्ब है, ये वो क्या बोलते हैं उसको, चिकन का कुछ कबाब जैसा था। देखो यहाँ पे डेजर्ट जो ब्रेड वाले जो होती है डेजर्ट्स, कितनी सारी वैरायटी है। ऐसा लगता है कि टर्किश काबू टर्किश या फिर बोल सकते हो इस्लामिक या फिर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ब्रेड्स वगैरह डोनट्स वगैरह रखे हुए थे। फिर यहाँ पर हमारा मेन कोर्स शुरू हो जाता है। आप सुबह में डोसा ऑर्डर कर सकते हो, ऑमलेट ऑर्डर कर सकते हो। ये देखो सॉटे वेजी है यहाँ पे, और इसमें क्या है, इसमें है कुछ पोटैटो है दोस्तों, शायद रोजमेरी पोटैटो था। ये रोस्टेड टोमेटो है और यहाँ पे ये पोर्क सोसेज है दोस्तों, ये तो हमने खाया नहीं। और ये बेकन है दोस्तों, ये भी पोर्क का बना हुआ है, पिग का है, तो इसको तो हम लोग ने खाया। और ये यहाँ पे है दोस्तों चिकन है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत, इसमें चिकन सॉसेज है, ये हमने खाया था। और ये है आपका एग, बॉइल्ड एग, एक्चुअली एयर फ्राइड है, उसको सॉल्ट में किया गया था। फिर वहाँ पूरी सब्जी भी थी। यहाँ पे चाय है दोस्तों, पता है अगर आप चाय ऑर्डर करते हो ना रूम पे तो वो 400 या 500 रुपये की एक चाय होती है। फिर यहाँ पे नींबू वगैरह है आप देख सकते हो, मतलब ब्रेकफास्ट भी इतना दोस्तों ना कि आप चूज़ नहीं कर पाओ क्या। ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सब खा लूँ, हमने वही किया, हल्का हल्का लिया। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे इडली निकाला जा रहा है, वो पुरेटा स्टीमर जो भी बोलते हैं उसको, इडली। यहाँ पे तीन तरह की चटनी है, ये है कोकोनट चटनी, ये है मिर्च की चटनी और ऊपर से सांभर। इडली का टेस्ट बहुत ही लाजवाब था दोस्तों, बहुत ही लाजवाब। ये देखो सांभर, अब ये दिखाएंगे खाएंगे, चलो आगे बने रहो। देखो देखते हैं यहाँ पर मैडम ने क्या लाया है। और यहाँ पे लाया है बारबेक्यू चिकन है, चिकन सॉसेज है और ये एग है जिसको सॉल्ट में दोस्तों भुना गया है एग को, और लिटरली टेस्ट थोड़ा अलग रहता है दोस्तों। और चिकन सॉसेज का टेस्ट मैं बताऊँ तो उतना कुछ खास नहीं था, नॉर्मल लग रहा था, देखने में बस अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन जो हम लोग घर में चिकन करी या चिकन रोगन जोश वगैरह बना खाते हैं ना, उसके सामने सब कुछ फीका था दोस्तों। हाँ ये बोल सकते हो जो अपने ट्रेडिशनल डिशेस थी जैसे पूरी सब्जी, बहुत ही लाइट बहुत ही मज़ेदार थी दोस्तों। और ये पाइनएप्पल जूस है, काफ़ी रिफ्रेशिंग था ये भी। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक लैम्ब का कबाब का कुछ आइटम है, लैम्ब कबाब जैसा था ये, और थोड़ा सा लेटस। और मैंने बहुत मुकबंग वीडियोस देखे हैं जिसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन खाते हैं लोग और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। मैं भी सोचता था कभी ट्राई करूँगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो। और मैंने ज़्यादा तो नहीं खाया, थोड़ा सा खाया क्योंकि पेट पूरा लगभग भरा ही हुआ था। ये ललित्स में बफे इतना शानदार रहता है दोस्तों। और जब मैंने खाया तो इसका टेस्ट नॉर्मल था, उतना कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक ही था।
कुछ मसाला वसाला कुछ नहीं, नॉर्मल। और ये केक था दोस्तों, ये केक जो हम लोग याद है बचपन में बर्थडे पे जब मम्मी बनाती थी प्रेशर कुकर या ओवन में, ये वो केक था दोस्तों। और मेरी मानो तो मुझे तो यही केक सबसे ज़्यादा पसंद है, अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा केक यही केक पसंद है। और ये दोस्तों योगर्ट भी मैंने पहली बार ही ट्राई किया था, कभी ऐसा ट्राई करने का इच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सोचा कि यहाँ मिल रहा है चलो ट्राई कर लिया जाए। फर्मेंटेड मिल्क रहता है दोस्तों, मुझे लगा था दही जैसा कुछ रहता है, लेकिन हाँ फर्मेंटेड मिल्क दही कर्ड ही हुआ, लेकिन कर्ड से थोड़ा अलग टेस्ट था और थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट था दोस्तों। ठीक था, डाइजेशन में हेल्प करता है, और हाँ लिटरली इसने हेल्प की थी, अच्छा था दोस्तों। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा निकल गए वॉक अवे पे बाहर, स्विमिंग पूल का आनंद लेते हुए दो तैराकी भी। अब दोस्तों रात हो गया है और बैंगलोर में दो दिन हम लोग कहीं घूमे नहीं थे, तो सोचा थोड़ा सा बैंगलोर को एक्सप्लोर किया जाए। तो यहाँ पर पूछने पे बहुत लोगों ने बताया कि आप मंत्री मॉल है बैंगलोर में, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। और हाँ कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ अच्छा दिखे तो हम लोग सोचे खरीद लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम मंत्री मॉल आए, यहाँ पे कुछ चैरिटी वगैरह के लिए, ये ऑर्फन एज वगैरह के लिए कुछ सपोर्ट मांग रही थी, तो हमने उनकी थोड़ी सपोर्ट की। ये देखिए मंत्री स्क्वायर कुछ लिखा हुआ है, ये मंत्री स्क्वायर मॉल है, काफ़ी शानदार मॉल है, बड़ा सा मॉल है। और मॉल के बाहर भी थोड़े बहुत वेंडर्स अपने सामान आइटम्स कुछ स्पेशल चीज़ें बेच रहे थे बैंगलोर की, ठीक ये सब स्पेशल चीज़ें हर जगह मिलती दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था लेकिन ठीक था। और मॉल के बाहर ये जो वेंडर्स वाले शॉप थे ना, इनमें रेट मॉल के भीतर से भी ज़्यादा था, जैसे मॉल के अंदर के सामान से भी बाहर ज़्यादा दाम था इनका यहाँ पे। तो हमने छोड़ा और सीधे अपने मॉल की अंदर मॉल के ओर बढ़ने लगे। मॉल में एंट्री करते ही दोस्तों मज़ा आ गया, एकदम से शानदार बहुत ही सुंदर मॉल अंदर था, ये काफ़ी बड़ा मॉल है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा मॉल था और एकदम से साफ सुथरा मॉल था। यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स थे और सारे ब्रांडेड शोरूम्स थे। फिर हमें स्टारबक्स दिखा, तो हमने सोचा कि पहले कुछ स्टारबक्स से पी लिया जाए, क्योंकि हमने एक बार मोपा वाले एयरपोर्ट में स्टारबक्स ट्राई किया तो काफ़ी अच्छा लगा था, तो हमने सोचा कि चलो भाई यहाँ भी स्टारबक्स ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे मॉल को। फिर हमने चार स्टारबक्स के ऑर्डर किए, ड्रिंक ऑर्डर किए, और चारों वही सिग्नेचर चॉकलेट मिल्क शेक जो था इनका ऑर्डर किया, क्योंकि सबसे बेस्ट मुझे वही लगा था। आप देख सकते हो सबका नाम अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्लासेस पे लिखा हुआ है। फिर स्टारबक्स का सब पीने के बाद हम लोग निकले और थोड़ा सा देखते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए आगे। एक्सप्लोर करते करते दोस्तों हम घुस गए जूडियो के शोरूम में, और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जीन्स वेयर शर्ट्स वगैरह ट्राई किए और जो जो पसंद आया सब खरीद लिया। फिर हमने सोचा कि अब काफ़ी देर हो रही है और अगर हम लोग लेट पहुँचेंगे अपने होटल तो हो सकता है कि हमारे रात का डिनर भी ना मिले, जो बफे लगा हुआ था उनने बताया था। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे मैम साहब को मन किया कुछ मेकअप किट लेने का, और हमारी फेवरेट क्या हमारा वन ऑफ द फेवरेट शार्क्स विनीता जी का शुगर कॉस्मेटिक्स का था, काफ़ी सही था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका मेकअप चल रहा है, और जो जो चीज़ें पसंद आई मैडम ने सारी चीज़ें खरीद ली। फिर अब हम लोग यहाँ पे बिल पे करके निकलते हैं, और मैडम को पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था, जब ये कार से उतरी थी तभी बोला था इन्होंने कि पानी पूरी खाना है, मैडम का पानी पूरी फेवरेट है, तो अभी हम लोग चलते हैं पानी पूरी खाते हैं। लेकिन पानी पूरी वाले के पास पहुंचने के बाद ही पता चला कि उनके पास सिर्फ पानी पूरी बचा हुआ और पानी पूरी बचा हुआ, बीच का मसाला नहीं है। तो हमने बोला कि भाई जो है तू वही खिला दे, तो हमने खाया, ठीक था, 30 रुपीज़ में इन्होंने 6 खिलाए, वही रेट चल रहा है दोस्तों आजकल कहीं भी, महंगाई इतनी बढ़ गई है क्या कर सकते हैं, फिर भी इंजॉय करना है, कुछ भी करना है इंजॉय करना है, तो और कुछ चीज़ें छोड़ना नहीं है। तो फिर हमने इसे भी खाया और खाकर हम लोग निकल पड़े अपने अपने होटल के पास, अपने होटल के पास। और होटल पहुंचकर हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रात में खाने में क्या है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों क्योंकि वीडियो खाने का लंबा हो जाता है, तो आपको दिखाते हैं सीधे खाने में आज क्या है।
आज फिर से दोस्तों डिनर में अनलिमिटेड चीज़ें थी, आप देख सकते हो सैलड की वैराइटीज़ देख सकते हो, फिर से लेटस वगैरह देख सकते हो, और बहुत सारे लीव्स वगैरह थे, सुशी है, ये वाटरमेलन का कुछ था डिश, यहाँ पे भी कुछ कोरियन है जैपनीज डिश है, ये बैम्बू शूट्स वगैरह है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेप्स है, चीज़ है, बिस्किट्स है, पाइनएप्पल्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ब्रोकली है, मतलब समझ भी नहीं आता है दोस्तों क्या क्या खाऊंगी। यहाँ पे खीर थी, कर्ड राइस है, यहाँ पे फिर से सुशी, टूना सुशी देख सकते हो जिसको एवोकाडो के ऊपर रैप किया गया है, फिर से यहाँ पे बेकरी का आइटम देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा बेकरी का आइटम तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा दोस्तों, लेकिन अफसोस कि मैंने एक भी नहीं खाया, क्या करूँ, इतना सारा चीज़ जगह भी होनी चाहिए पेट में। फिर इसमें सूप थी दोस्तों, दो तरह की सूप, मंचाओ सूप था और एक चिकन सूप था, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या है। ये है दोस्तों जो होते ना पापड़ जैसे, वो थे साबूदाना के, ये भी दोस्तों आप देख सकते हो कबाब है, सीख कबाब था, और ये भी ये फ़िश थी दोस्तों। ये तो आज का सेकेंड डे का डिनर का सबसे बेस्ट आइटम है दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा मैंने खाया था, फ़िश बहुत टेस्टी था एकदम से। और ये पनीर का आइटम है दोस्तों, ये बेबी कॉर्न पकौड़ा दोस्तों, बहुत लाजवाब टेस्ट था इसका भी। ये आपको गार्लिक चाउमीन था दोस्तों, वेज चाउमीन, गार्लिक चाउमीन। फिर ये क्या था, ये बहुत ही अच्छा एक कुछ सूपी था दोस्तों, सूपी वेजी था, ये पालक पनीर था। और यहाँ पे क्या है, ये कुछ सब्जी थी दोस्तों, समझ में नहीं आया, ये तो आपका राइस है, और ये रहा ये पुलाव है आपका, और आगे क्या है, आगे है ये दाल है, दाल मखा, दाल सिंपल दाल था, ये आगे में जो दाल मखानी था दोस्तों उसके बगल में, और ये देख सकते हैं दोस्तों ये पोटैटो है, ये कुछ फ्राइड राइस पुलाव जैसा ही था, और ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पास्ता जैसा कुछ लग रहा दिखाने पे, ज़बरदस्त टेस्ट था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ये बारबेक्यू चिकन है और चिकन बटर मसाला है, आप सोच सकते हो दोस्तों क्या बफे है 1500 में। यहाँ पे मटन बिरयानी और मटन करी दोस्तों, अगर आप रूम पे ऑर्डर करोगे मटन करी तो बस दो ही पीस आपको मिलेंगे 1600 या 1700 रुपीज़ में। और यहाँ पे दोस्तों डेजर्ट देखो, यहाँ पे मालपुए हैं, पुडिंग है, ज़बरदस्त दोस्तों। यहाँ पे फिर कलाकंद है, फिरनी है, मिल्क केक्स वगैरह है, मतलब आप ना ललित में जाओगे दोस्तों, आप बफे लोगे, इन्जॉय कर लोगे, मज़ा आ जाएगा आपको। पैनकेक्स वगैरह दोस्तों, अभी आपको सबका टेस्ट बताएंगे कैसा है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर प्लेट दिख रहा है, ये सारी कॉन्टिनेंटल डिश है दोस्तों, जगह जगह की क्विजींस है, कोई जापान का है, कोई कोरिया का है, कोई चाइना का है, कोई इंडोनेशिया का है, सारा जगह का डिश है दोस्तों, और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त। और ये हमारी मैडम को तो ज़्यादा फ्रूट्स ही पसंद है, वो बहुत ही लाइट खाना खाती है। भाई मुझे तो जो अच्छा दिखता है मैं वो खाता हूँ, कि किसी ने सच्ची कहा है कि भाई जो अच्छा दिखे खाने लायक वो खा लो, जो आप खाते हो और वो अगर अच्छा दिखे तो खा लो। आप देख सकते हो दोस्तों ये लेटस के ऊपर, लेटस में फ़िश डाल के खाया, एक नंबर लगा दोस्तों खाने में, एक नंबर था। और ये जो आप ग्लास में देख रहे हो ये वाटरमेलन का कुछ डिश बना हुआ था दोस्तों, अच्छा था, मिंटी था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, कम मीठा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था दोस्तों। और हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं अपना फूड, ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद। ये आज पहली बार ही मैंने बैम्बू शूट ट्राई किया दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जीभ से लगाती इतना ख़राब लगा, मैंने सारा छोड़ दिया। हाँ बाकी डिश अच्छी थी, हमारी मैडम को तो माल्टा में लगता है जान अटका हुआ, इतना पसंद है उसे ये माल्टा। तो अब स्टार्टर्स वगैरह खाने के बाद अब बारी मेन कोर्स की, और मेन कोर्स भी मैंने ज़्यादा चीज़ नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि पेट काफ़ी भर गया था पहले से ही। और आप देख सकते हो ये है कॉर्न पकौड़ा दोस्तों, जब मैंने ट्राई किया ना ये, और बाकी पकौड़ों से जो हम लोग घर में खाते हैं उससे मुझे अच्छा लगा, काफ़ी बेहतरीन टेस्ट था दोस्तों ये कॉर्न पकौड़ा का। और ये चटनी जो वाटरमेलन की देख रहे दोस्तों, ये पकौड़े में चार चांद लगा दिए थे। ये बारबेक्यू चिकन दोस्तों,
बारबेक्यू चिकन देखने में जितना लजीज लगता है दोस्तों ना, मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं आया। ठीक था, ओके ओके था, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं जैसे बहुत मस्त लगता है। ये हमारी मैडम ने चावल लिया, दाल लिया और थोड़ा पता नहीं क्या जगह सब्ज़ी, ये लगता है आलू का सब्ज़ी लिया। अब डेज़र्ट ट्राई करते दोस्तों, ये है फिरनी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, काफ़ी अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त फिरनी दोस्तों, मज़ा आ गया, काफ़ी रिफ्रेशिंग था दोस्तों। और आप देख सकते हो साथ में है ये एक कुछ बेकरी डेज़र्ट जैसा है, डोनट जैसा है दोस्तों, और एकदम से चॉकलेट की तरह इसका टेस्ट था दोस्तों, काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका भी। ये है कलाकंद, भाई कलाकंद को कौन नहीं जानता है, कलाकंद किसी तारीफ का भक्त ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, मैं शायरी नहीं कर पाता, बस कलाकंद कलाकंद होता है दोस्तों। ये कोकोनट का मिठाई था, काफ़ी अच्छा दोस्तों ये भी। और ये है मिसिसिपी मड केक, नॉर्मल जैसा हमेशा मिसिसिपी मड केक होता है वैसे ही था। ये देखो, मुझे सुशी इतना पसंद था कि मैंने दोबारा लिया सुशी विद ग्रेप्स और ये माल्टा। और आप प्लेटिंग देख सकते हो दोस्तों, कितने सुंदर प्लेटिंग जब होती तो दिखती है। अब हमने अपना डिनर ले लिया दोस्तों, अब काफ़ी पेट भर गया, पेट भर के खाना खाने के बाद अब वक्त है यहाँ से जाने का। रेस्टोरेंट से बाहर आते दोस्तों, हमने सोचा कि चलो आज द ललित होटल के टेरेस को एक्सप्लोर किया जाए। और दोस्तों टेरेस अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी, इतना ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखा है दोस्तों ना, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा ऊपर में। और ऊपर में एक रेस्टोरेंट था जो लगता है कि कुछ फॉरेन रेस्टोरेंट था दोस्तों, आप देखो कितना शानदार इन्होंने अरेंजमेंट्स किया हुआ है, बहुत मज़ा आ गया दोस्तों। सो दोस्तों आज हमारा द ललित में आखिरी नाइट है, कल सुबह हमें निकलना है, तो मिलते हैं कल सुबह। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हमेशा खुश रहो, जय हिंद, बाय बाय।